अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये भी आप लोग देख सकते हैं जो हमारी न्यू कॉलोनी है जो हमने जावा की लगाई थी। देखें इसके अंदर मटकी का नंबर है 2 और ये देखें इसके अंदर जो है 4 बच्चे आए थे। ये देखें और बस जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। एक अंडा भी इसके अंदर आया हुआ है। सबसे पहले ये बच्चा हमारा, उसके बाद ये और ये। तो तकरीबन जो कॉस्ट बनती है 4 बच्चों की भी अगर हम लोग लगाते हैं, ये अगर वाइट भी होते हैं तो तकरीबन 8,000 रुपये के बच्चे थे, और अगर ये ग्रे होते हैं तो ये तकरीबन 6,000 रुपये के बच्चे थे। देखें तो इसलिए बस मैं कहता हूँ आप लोगों को कि जब आप लोग वीडियो देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। ये देख सकते हैं आप लोग 4 बच्चे और अच्छे खासे जो है ना, ये देखें सर्वाइव करा और ये ब्लड भी लगा हुआ है इसको। ये देखें अब इनको फेंक रहे हैं और फिर इंशाल्लाह दोबारा जब इनके पेरेंट्स जो है ब्रीड करेंगे फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा गाइस, अभी हमें जो है इनका ये तो पता चल गया कि इनकी कैसे डेथ हुई है। तो अभी जो है ना उस साइड पे वो पीछे एक छुपकली दिखी थी हमें, तो हम लोग काफ़ी देर उसके पीछे लगे, उसे तो भगा दिया। देखिए अब और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लॉस। ये देखें आप लोग, सबसे पहले एक अंडा इसमें है, देखिए एक ही अंडा इसमें से निकला है। और अब जो आप लोग देखने वाले हैं ना, बस मैं कहता हूँ अगर ये निकल आते हैं इसमें बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ईद हो जानी थी। ये देखें आप ये देखें, देख सकते हैं आप लोग। एक सेकंड मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ फिर देखें आप। सबसे पहले आप लोग ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 डेड इन शेल। सही है, अम्मा भाई कैमरा होल्ड करें और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 10-11 अंडे थे, एक का पता नहीं गया कहाँ। अब ये देखें आप लोग, देखिए बच्चे बने हुए पूरे पूरे बच्चे, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखें पूरे पूरे बच्चे बने हुए इसके अंदर। अब आप लोग बताएं, ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग पूरे पूरे बच्चे बने हुए। अब जब ऐसा होता है ना लॉस तो फिर जो है ना एक तकलीफ़ तो होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगी होती है आपकी। उसके बाद जब ऐसा कोई सीन हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है जो बर्ड लवर हैं, जिन्होंने अच्छे खासे बर्ड रखे हैं और जिनको शौक है, जाहिर सी बात है उन्हें तकलीफ़ तो होती है। देखें आप लोग, तो बस आप लोग जो है दुआ करिएगा कि हमारे नसीब में अब जो भी है वो बेहतर हो। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जहाँ इतना सब बताते हैं कि प्रॉफिट है वहाँ पर इतना लॉस भी है। देखें और ये 10 अंडे जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये एक फ़ीमेल ने दिए थे और उसी फीमेल के जो है तकरीबन आधे से आधा अंडे जो है इनफर्टाइल हैं और बाकी जो है कुछ में डेड इन शेल है। ये पुराने वाले अंडे नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग। 7 नंबर हंडिया में से अभी निकालें, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों के साथों इनफर्टाइल। ये देखें 7 के साथ जो है इनफर्टाइल। इससे पहले जो है 12 एक फेंके और 7 ये तकरीबन 18 से 19 जो अंडे हैं ये इनफर्टाइल निकले और 5 जो है बच्चे मरे हुए निकले, 4 या 5। अच्छा अब जो लोग ये कहेंगे ना मुझे कि भाई इस फील्ड के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है, तो मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि इस फील्ड में प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें लॉस को भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो पहले जब भी आप लोग अपने बर्ड्स लगाया करें तो पहले आप लोग लॉस का सोचा करें, फिर आप लोग प्रॉफिट का सोचा करें। इसी तरीके से आप लोग एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं।